हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, हमारे पोर्टफोलियो में शुगर सेक्टर के और इथेनॉल सेक्टर के भी स्टॉक रहना चाहिए। और ये जो स्टॉक है फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक है, बट इसके पास शुगर भी बनाती है, इथेनॉल भी बनाती है कंपनी। उसके अलावा ये लिकर सेक्टर से भी आती है, मतलब लिकर या फिर जो स्पिरिट्स है उस सेक्टर से भी आती है। दारू बनाने का भी काम ये कंपनी करती है। तो 3-in-1 स्टॉक है ये, इसलिए मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक। और इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट भी शानदार आया था, अगर क्योंकि आप जानते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग भी नितिन जी गडकरी ने कहा था कुछ दिन पहले कि हम लोग अभी अचीव कर चुके हैं, मोदी जी ने भी कहा था। तो अभी आने वाले दिनों में इथेनॉल का कंजम्पशन ज़बरदस्त बढ़ने वाला है और दारू का कंजम्पशन तो इनके खुद के ब्रांडेड लिकर ब्रांड्स है पूरे मार्केट में, तो लिकर भी बनाती है, इसलिए भी काफ़ी अच्छा शेयर है। और शुगर तो बनाती ही है। इसका आज का क्लोजिंग था 40 रुपीज़ 80 पैसा, 52 भी खाया था 50 रुपीज़। इसका पी है 13 का एंड EPS है 3.10 का, जो कि अच्छा है लुकिंग एट द रेट ऑफ ओनली 40 रुपीज़। इंट्रेंसिक वैल्यू इज 40 रुपीज़, तो इस इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ही ये शेयर हमें मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.60 और प्रोमोटर होल्डिंग है 71%। FIRDR का कोई होल्डिंग इसमें नहीं है। बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट की, तो मार्च 2021 में प्रॉफिट था 2 करोड़ 41 लाख रुपीज़, डिसंबर 2021 में प्रॉफिट था 1 करोड़ 56 लाख रुपीज़ और मार्च 2022 में प्रॉफिट आया है 6 करोड़ 42 लाख रुपीज़। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है। कंपनी का नाम है पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये 3-in-1 स्टॉक है, शुगर, इथेनॉल और लिकर। तो इसीलिए इस शेयर पे आप नज़र बना के रखिए, हर गिरावट में बाय कीजिए। 35 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है तो ज़रूर बाय करना, या थोड़े थोड़े शेयर डेली बाय कीजिए। मार्केट चलेगा तो यही शेयर आपको आराम से 50 रुपीज़ से 70 रुपीज़ का लेवल दिखा देगा, जो कि मिल रहा है ओनली 40 रुपीज़ में। और इसका अगर जून क्वार्टर भी अच्छा आया, 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपीज़ का अगर प्रॉफिट दिखाया, तो ये शेयर आपको 80 रुपीज़ के लेवल भी दिखा सकता है 2-3 मंथ्स में। इसीलिए इस कंपनी पर नज़र बनाए रखिए और लॉन्ग टर्म का व्यू के हिसाब से भी बेस्ट शेयर है। तो थोड़े थोड़े शेयर्स बाय कीजिए हर गिरावट में और एक्युमुलेट कीजिए आफ्टर योर स्टडी। थैंक यू फ्रेंड्स।